व्हाट्स अप गाइस, हैप्पी किड्स ईयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा मूवमेंट स्पीड की कुछ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपना मूवमेंट स्पीड को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे चेंजेस है जिससे आप अपने मूवमेंट स्पीड में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमारा चैनल में ना हर रोज लाइव स्ट्रीम होने वाला है फ्रॉम 7 PM टू 10 PM। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ आप इस टाइम पे हमारा लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज नहीं होगा क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट नहीं है, कल से हमारे पास इंटरनेट होगा, तो कल से हम रोज इवनिंग के टाइम पे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। ओके गाइस, सो गाइस द फर्स्ट टिप टू इंक्रीज योर मूवमेंट स्पीड इज योर मूवमेंट जॉयस्टिक। तो गाइस, मूवमेंट जॉयस्टिक का जो साइज़ है ना, वो बड़ा होने से या फिर छोटा होने से आपके मूवमेंट पे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मूवमेंट स्पीड आपके कैमरा एंगल के रोटेशन में डिपेंड होगा, ना ही जॉयस्टिक के ऊपर। आप अपने जॉयस्टिक का जो साइज़ है ना, वो अपने स्क्रीन के हिसाब से छोटा ही रख दीजिए या फिर बड़ा रख दीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन मूवमेंट स्पीड ना कैमरा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा कि मैं यहाँ कितना स्मूथली अपना कैमरा एंगल रोटेट कर रहा हूँ। ओके, कैमरा एंगल रोटेट करने से ही आपका मूवमेंट स्पीड अच्छे से इंप्रूव होगा। यहाँ पर मैं जॉयस्टिक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना कैमरा एंगल रोटेट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जॉयस्टिक का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ आपका कैमरा एंगल के ऊपर डिपेंड होता है अपना मूवमेंट स्पीड। ओके गाइस, लेकिन गाइस आप मूवमेंट जॉयस्टिक की मदद से आप अपनी मूवमेंट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी तरह कैमरा एंगल रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, जब मैं स्प्रिंट करता हूँ तो मैं अच्छी तरह तो रोटेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक आईफोन है, लेकिन सभी लोगों के पास एक अच्छा आईफोन नहीं होगा, एक अच्छा फ़ोन नहीं होगा। कुछ लोग मिड रेंज फोन्स यूज़ करते होंगे, कुछ लोग 3 GB RAM या फिर 2 GB RAM फोन्स यूज़ करते होंगे। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, आप अगर आप स्प्रिंट करके कैमरा एंगल रोटेट करते हैं तो इतना अच्छा नहीं रोटेट होगा, क्योंकि आपका फ़ोन का सेंसिटिविटी बहुत कम होगा। तो तब आपको क्या करना है, आपका जो जॉयस्टिक है ना, पहले उसे होल्ड करना है। अगर आप होल्ड करके अगर आपका कैमरा एंगल आप रोटेट करते हैं ना, तो आपका जो कैमरा होगा बहुत, मतलब बहुत अच्छी तरह रोटेट होगा और ज़्यादा रोटेट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने जॉयस्टिक को होल्ड करके मैं अपना कैमरा एंगल जब मैं रोटेट करूँगा तो ये बहुत अच्छी तरह, बहुत इजीली रोटेट हो रहा है। वैसा ही आपके डिवाइस में भी होगा, आप अपने मूवमेंट जॉयस्टिक को होल्ड कीजिए और अपना कैमरा एंगल रोटेट कीजिए, तब आपको इजीली आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप स्प्रिंट करके रोटेट करोगे ना, तो वो उतना ज़्यादा रोटेट नहीं होगा। मेरे पास तो होगा क्योंकि मेरे पास एक अच्छा डिवाइस है, मेरा सेंसिटिविटी बहुत हाई है, लेकिन आपके पास उतना सेंसिटिविटी नहीं है। तब आपको क्या करना है, आप अपने जॉयस्टिक को होल्ड करना है और फिर आपको कैमरा एंगल रोटेट करना है, तभी आप अच्छी तरह कैमरा एंगल रोटेट कर सकते हैं और आप अच्छा मूवमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिस करना ट्रेनिंग ग्राउंड में। ओके गाइस, तो गाइस दूसरा टिप ये है कि आप जंप ऑप्शन से भी कैमरा एंगल को इजीली रोटेट कर सकते हैं, अपनी मूवमेंट स्पीड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपली जब आप स्प्रिंट करते हैं तब आपको जंप यूज़ करना होगा, जब आप जंप स्टेट में हैं तब आप अपने कैमरा एंगल को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, चाहे आपके पास 2 GB RAM फोन या फिर 3 GB RAM हो, आप अच्छी तरह कैमरा एंगल रोटेट कर सकते हैं जब आप जंप स्टेट में हैं। ओके गाइस, तो इस तरह आप मूवमेंट स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट टिप पे कैरेक्टर स्किल्स, आपको कौन सा कैरेक्टर स्किल्स यूज़ करना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अलोक, पलोमा, केली और मोको, ये है मेरा बेसिक कैरेक्टर स्किल्स। अगर आप अच्छी तरह स्पेस मैनेज कर सकते हैं और आपको पलोमा नहीं चाहिए, तो आप पलोमा की प्लेस में आप जोसेफ का स्किल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर डैमेज पड़ेगा तो जोसेफ का स्किल एक्टिव हो जाएगा एंड आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट स्पीड दे देगा। अगर आप एक शॉटगन प्लेयर है एंड आप इंटेंस शॉर्ट रेंज फाइट्स पसंद करते हैं, तो आप मोको की प्लेस में आप कैरोलिन का स्किल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास अलोक है, जोसेफ है, केली है और कैरोलिन भी है। ये चारों स्किल्स मिल गए ना, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, कम से कम आपको 40% मूवमेंट स्पीड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो गाइस ये है कुछ टिप्स जिससे आप अपने मूवमेंट स्पीड में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एकदम ही M10 बन जाओगे या फिर राइस्टार बन जाओगे, आप थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट अपनी मूवमेंट स्पीड में ला सकते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि हमारा चैनल अभी डेड पड़ा हुआ है, हमें उसे एक्टिव करना है। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं और ज़्यादा शेयर करते हैं तभी हमारा चैनल थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, सी यू, गुड बाय।